रावण रोड पर ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। तेल गिरने और आग से राहगीर चार अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज जारी है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया और कितना क्या नुकसान सामने आया? रायवंड के इलाके रॉयल पार्क में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसमें कि पहले जो ट्रांसफार्मर था उसमें आतिशबाजी हुई और उसके बाद धमाका हो गया। और इस सूरत हाल में जबकि जो गरम गरम तेल गिरने से मुतलका जो उसके नीचे जो होटल था उसके पांच अफराद जो टोटल जो थे वो जख्मी हुए थे, जिसमें कि जो होटल मालिक था वलायत खान वो उनको कुछ मामूली चोटें आई थी, जख्मी हुआ था और उसका सिर्फ 2 से 3% जो बॉडी थी वो झुलस चुकी थी, जिसपे उसको फौरी तिबी इमदाद देने के बाद जिनाह हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। चार मरीज अभी भी जिनाह हस्पताल के बंद सेंटर में जेर इलाज है। रेस्क्यू की जानिब से फौरी तौर पर इनको जिनाह हस्पताल की एक्सीडेंट एमरजेंसी में लाया गया था, जिसमें से तीन अफराद जो थे जिसमें मुजाहिद, बिलाल और खालिद, इन तीनों की 20 से 30% जो जिस्म का जो हिस्सा था वो झुलस चुका था और फौरी तिबी इमदाद देने के बाद इनको जिनाह हस्पताल के बंद सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि एक 22 साल अहमद जिसकी हालत तश्वीशनाक है, उसका जिस्म जो है 55% जो है वह झुलस चुका है और डॉक्टर्स के मुताबिक ये कहना है कि अगर 50% से ज्यादा अगर बॉडी झुलस जाए तो उसको रिकवर करना काफी मुश्किल होता है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। उसको भी जिनाह हस्पताल की एमरजेंसी से जो चारों मरीज हैं इनको जिनाह हस्पताल का जो बर्न सेंटर है उसमें स्पेशल केयर देने के लिए और खासकर जो झुलसे अफराद को तिबी सहूलियात फराहम करने के वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब चारों अफराद वहीं पर मुंतकिल है और वहीं पे उनका जो है तिबी इलाज मुआवजा जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।